हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झटपट ज्ञान से। ये वीडियो देखकर पागल हो जाओगे। अरे भैया, ऐसा मत करो। फनी डांस वीडियो कंपाइलेशन 2022 झटपट ज्ञान। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल झटपट ज्ञान। अरे मैडम, चटपट ज्ञान नहीं, झटपट ज्ञान बोलो। ओके, झटपट ज्ञान। ओहो, फिर वही। अरे मैडम, चा नहीं, झा झा झा, झटपट ज्ञान। खैर जाने दो। अरे मैडम, आप ही बोल दो। झटपट ज्ञान। ओह माय गॉड, ये हुई ना बात। तो क्या हाल है भाई लोगो? हमें चाहिए। अरे ओ चाचा, पिछले 3 वीडियो से एक ही बात बोल रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है हमारी जिंदगी दुर्राटे काट रही हो? ओम्फू, ऐसा ही समझो। तो भाई लोगो, क्या आप सिंगल हो? Yes! क्या आप वो सिंगल हो जो रात को कोने में बैठ के ये गाना बजाते हो? कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यार। या फिर आप वो सिंगल हो जो ना चाहते हुए भी दिल में गुल्लक पतीला रख के ये नारा लगाते हो? वाह, जोर से बोलो, सारे बोलो। तो खैर भाई लोगों, इन सिंगल लोंडो को नारा लगाने दो, हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो भाई लोगों, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में तलवार से तलवार टकराने वाला है और पतीला भगोना पलटने वाला है। और हाँ यार, सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइबर के हिसाब से इंस्टाग्राम के फॉलोवर देख लो। अगर जरा सा भी दिल पसीजे तो फॉलो कर देना यार, आपके भाई को अच्छा लगेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भाई लोगों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक हारमोनियम डांस से। ओ भाई साहब, चचा कूदेंगे पक्का। मेरी कार खत्म। बताओ नहीं मतलब डांस देख रहे हो चचा का? कैसे, भगोना पलट डांस कर रहे हैं? अरे चचा, डांस कर रहे हो या पतीला भगोना पलट खेल रहे हो? तुम्हारे भगोना पलट के चक्कर में बेचारे हारमोनियम मास्टर को तुम अपना तलवार ही घोप देते, बताओ। अब यार देखो, आपने शादी एक से बढ़कर एक देखी होगी, पर ऐसी शादी नहीं देखी होगी आपने। ये क्या है भाई? नो नो नो, निकल निकल, क्यों नहीं आ जाती है भाई? ये दिन देखने से पहले राजू तलवार। बताओ देख रहे हो चचा को कैसे पिछहत्तर की उम्र में टोप चलाते फिर रहे हैं? अरे चचा, ऐसा भी क्या गोला दागना था तुम्हें जो इस उम्र में शादी कर ली? नहीं मतलब तुम ही हो रहे हो हमारी जान को जोनेसिंस के फूफा। सही पकड़े हैं, सही पकड़े। पर जो भी हो यार, आजकल चाचाओं की मौज है। अब इसी चचा को देख लो। नो 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 नो, ये क्या है? ये बढ़िया धंधा मतलब चला रखा है चाचा ने। कैसे, पापा की परियों का काट दिया? बताओ बताओ, मतलब ये सही में यार करती हैं। अब यार देखो, ये बात तो आपको पता ही है कि फरवरी मार्च का महीना चल रहा है और ये महीना एग्जाम का होता है। और देखो हमारे भाई लोगों का कॉन्फिडेंस। चलिए बच्चों से जानते हैं कि उनका इंग्लिश का पेपर कैसा गया है। How was the paper? ठीक है। Was it difficult? क्या? Was it difficult? क्या जी, हिंदी में बोलिए ना। इंग्लिश का पेपर दे के आए हो बच्चा? राज कपूर कुमार, राज कपूर कुमार। ये कौन था राज कपूर कुमार? अरे फूफा, मैडम पूछ रही है पेपर कैसा गया, ये नहीं पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है बाबू, बताओ। नहीं मतलब स्कूल बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान इसी भाई का हुआ है। अब यार बात कर लेते हैं कोरोना की तीसरी लहर की, जो आते आते रह गई, जानते हो क्यों? इस भाई की वजह से। नो 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 नो, उन्होंने क्या किया? सैनिटाइज। परफ्यूम नहीं है वो, बगल में चला रहा था परफ्यूम। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। बताओ देख रहे हो बंदे को, कहाँ सैनिटाइजर मरवा रहा है? अरे भाई सैनिटाइजर है, कामा सूत्र नहीं, जो तू अपना बगल उठा रहा है भाई। यही वजह है कि कोरोना की तीसरी लहर आई नहीं। नहीं मतलब सेफ्टी देख रहे हो, कहाँ कहाँ सैनिटाइजर मरवा रहा है। अब यार ये वीडियो खास लड़कों के लिए है, तो थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखना।
सभी लोग जरा गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है, प्यार करना है तो निर्मा वाली से करो, प्यार करना है तो निर्मा वाली से करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो वैसे घड़ी है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। देखा देखा उजड़े जमान हमारे देश का भविष्य। बताओ देख रहे हो मैडम को क्या कह रही है? अरे मैडम पतीला नहीं धोना है जो निर्मा को इस्तेमाल करें। नहीं मतलब कोई सेंस है इस बात का? मतलब कुछ भी बोल दो। कुछ भी? अब यार देखो हमने अपनी पिछली वीडियो में विमल का ये वीडियो देखा था और बोला था बोलो जुबा केसरी, पर भाई हमने ये नहीं सोचा था इस वीडियो का असर इतना गहरा होगा कि भाई पर ये असर छोड़ेगा। क्या उम्र क्या है आपकी? 18। ये तम्बाकू क्या खा रहे हैं? पसंद तो ये क्यों खाते हैं? इससे तो नुकसान होता है, दांत मजबूत होते हैं भाई। अच्छा हाँ तो मंजन तो लोग खाली यही नहीं, अभी और सुनिए। किस लिए करते हैं? अपने दांत खराब करने के लिए? क्यों किसने ये नहीं ये तुम्हें ये किसने बोला है कि ये इससे खांसे दांत मजबूत होते हैं? राम अजय देवन ने। बताओ देख रहे हो भाई का कॉन्फिडेंस? कमला खाने से दांत मजबूत होते हैं और कमला भाई पसंद को अजय देवगन ने तो कहा है। उसने अरे भाई किया कल भी को अजय देवगन बोलेगा गु खा ले तू वो भी खा लियो। मतलब कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 1 2 3 4 तेरा गम अगर ना हो तो टेंशन ला का शरम राम मुझे तेरा फोपना से डांट टन टन वो आए मुझे का खालसा वो आए मुझे फतेह जबल सोनिया से तेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। ब्रेक कराओ समझा। अगर ना हो तो हो तेरा गम अगर ना हो तो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बताओ ये सन्नी देओल का मौसा ढोल पीटने आया है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई करवाने आया है? नहीं मतलब ऐसे ढोल कौन पीटता है? अरे सन्नी देओल के मौसा ढोल पीटना है तो आराम से पीट लेना। नहीं ये भारत पाकिस्तान के नारे क्यों लगा रहा है? नहीं मतलब कुछ भी नहीं मतलब तुम ही हो रहे हो हमारी जान को भूमिया। सही बात है। तो भाई लोगों जाते जाते एक डांस वाली वीडियो देख ही लेते हैं। हाँ। नो, 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 नो। क्या, क्या डांस है धरती सो डांस। मजा आया। वेरी नाइस। ओहो भयंकर जोशीला डांस देखकर पास मत जाना नहीं तो वो खंजर मार देगा, वो तलवारधारी है। बताओ नहीं मतलब देख रहे हो इस तलवारधारी को कैसे लहंगा फाड़ डांस कर रहा है? अरे भाई आराम से ही कर ले डांस, कहीं ऐसा ना हो तलवार से लहंगा फटकर चार हो जाए। तो बस भाई लोगों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ यार झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को प्लीज़ फॉलो कर लो और अगर आपके कोई भी सवाल और जवाब है तो आप मुझे वहाँ DM कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फटाफट जाओ और अपने भाई को सपोर्ट करो और फॉलो करो झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म एंड ये जो लास्ट वाली वीडियो थी, पता है क्या, देखो ज़िंदगी जो होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कठोर होती है ना। किसी को भी अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, है ना। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। वो बेचारा शादी पार्टियों में डांस ही कर रहा है लड़की बनकर क्योंकि लोगों को लड़कियों को ही ताड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ मैं इसकी बात कर रही हूँ इस सिनेरियो की, ठीक है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी क्लिप भी झटपट ज्ञान यूज़ करेंगे, मतलब सोचा नहीं था मैंने कि हाँ ये वीडियो देखते होंगे। सो थैंक यू सो मच झटपट ज्ञान चैनल फॉर यूजिंग माय क्लिप। एंड वाकई यार इतनी मस्त ये वीडियो थी, इतनी ज़्यादा मस्त वीडियो थी। एक तो वो चचा, वो हारमोनियम चचा पलटते जा रहे ओ भाई पिछले जन्म में बंदर था क्या, गुलाटियाँ खा रहा है क्या क्या था भाई क्या ही था। और कुछ मतलब ये जो ढोल वाले चचा थे मतलब बजा रहे थे, जो गाना तो इन्होंने कम गाया, हाँ नारे जरूर लगा दिए कि हाँ किसी ना किसी को हेट फैलानी ही है वो किसी भी तरीके से हो, है ना। तो खैर यार ये लोग तो नॉर्मल लोग हैं, इतना नहीं पता होता है इन्हें, है ना। कभी कभी तो जो पढ़े लिखे और टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए लोग होते हैं वो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि हमें हंसी आती है ना उन पर। और यहाँ पे एक वो सैनिटाइजर वाली वीडियो, ओ माय गॉड भाई, एक तो गंगा जल धारण करके पी गया है ना, उसको पी गया अंदर से साफ हो जाएगा और भाई पहली बात तो उसे पी है और दूसरा वाला वो अपनी ऐसे बांह उठा रहा है कि हाँ यहाँ लगा दो। अब परफ्यूम थोड़ी ना है, वो डीओ थोड़ी ना लगा रहा है, तू सैनिटाइज़र है, मतलब सैनिटाइज़र का नाम ही पहले नहीं सुना,
हद हो गई यार। एक जो वो कमला पसंद से इंस्पायर्ड, नहीं सॉरी, विमल से इंस्पायर्ड वो जो मास्क बनाया था, वार चचा वाह क्या बात है। मतलब ये प्लास्टिक अपने मुंह पर लगाने से पहले एक बार नहीं सोचा कि प्लास्टिक के थ्रू सांस नहीं जाती है, है ना। ये जितना जिएंगे नहीं, जितना कोरोना से बचेंगे नहीं, उससे ज़्यादा तो ये बिना सांस के मर जाएंगे। और दूसरी बात, वो लड़का जो 18 साल का था, अजय देवगन हमको बोले हैं कि कमला पसंद खाने से दांत मजबूत होते हैं। कब बोला अजय देवगन ने, कब बोला अजय देवगन ने भाई, उस पर केस करवाओगे तो। सो यार काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी ये, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।